की पानी पूरी इस तस्वीर में खाना आती है। मैंने एक बैग लिया था जो कि डिफेक्टेड निकला, तो हम उसको चेंज कराने आए हैं। और थोड़ा खाने पीने में भूख भी लगी है। ये हम लोग रात को निकले हैं कुछ सामान लेने। सलीम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने कुछ खाने पीने जा रहे हैं। और दिखा देते हैं कि मिलता क्या क्या है। बनारस में ये जितने भी है ये सारे बाजार यहीं पे लगते हैं। क्यूट है ना। मतलब अगर आपको बनारस में शॉपिंग करनी हो तो आप इस जगह पे आ सकते हो। ये है लंका। तो अभी हम लोग बाहर आए हैं और इसने अभी एक क्या लिया तूने अभी? लोअर लिया। और हाँ, और इतना बार्गेनिंग करवाया इसने कि बेचारे को कुछ फायदा ही ना हो। भैया प्लीज दे दो, भैया रिक्वेस्ट कर दो, भैया ये दे दो, भैया हाथ पर जोड़ रही हूँ, भैया ये कर दो वो कर दो। तो फाइनली इसने ले लिया और बढ़िया है। मैं भी पहन के दिखाऊंगी। और अभी हम लोग आए हैं खाने के लिए, मोमोज खाने के लिए आए हैं। देखते हैं पिंकी पॉन्ग की थिंग्स, और देखते हैं कि लाइक बनारस का मोमोज कैसा है। और खाता चलो बाय। क्या हाल है भाई? आज हम जाएंगे हमेशा मोमोज खाने। अब मैं धीरे धीरे ना अपने ना फूड का भी ब्लॉग बनाने वाली हूँ, तो मोमोज खाएंगे हम लोग। ये देखो ये जो कैमरा मैन है वो पागल है, कैमरा वुमन है सॉरी, जो बार्गेनिंग करा के आई है। मतलब बार्गेनिंग करवाने तो इसको ही लेके जाना चाहिए। पगला मतलब लूट डालेगी लेकिन अच्छा वाला सामान खरीद के लाएगी। तो शालिनी, बनारस में सबसे ज्यादा कौन सी चीजें फेमस खाने की? तूने अभी तक क्या क्या ठूसा है यहाँ पे? मैंने सारी चीजें ठूसी है, लेकिन यहाँ पे सुबह कचौड़ी और सब्जी बहुत फेमस है। उसके बाद में दिन भर आप कुछ भी खा लो चलेगा। ओके, सो अभी हम लोग निकले बाहर, तो वही देखते हैं मोमोज कैसा होता है। उसके बाद कुछ और भी ट्राई करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे बनारस का फूड, बनारस का स्ट्रीट फूड। चलते हैं। और मैं धीरे धीरे ब्लॉगिंग थोड़ी बेहतर करूँ, थोड़ी अच्छी करूँ। थोड़ी शर्म भी आती है ब्लॉगिंग करने में रास्ते पे, लेकिन करना है मुझे, करना है। आपका सपोर्ट चाहिए, प्लीज कीप सपोर्टिंग हर प्लीज। क्या है, मैंने हाफ प्लेट ही मंगवाया है। अब देखते हैं खा के कैसा है मोमोज। और इसका तो मुंह बना है, इसको मेयोनीज नहीं खाएगी तू? दे रहे हैं ना मम्मी, तो इसको मेयोनीज नहीं खाना है। चलो लेकिन हम ये खाएंगे और देखते हैं कैसा है। इसका बिना मेयोनीज वाला है, देख लो भैया। और टेस्ट करते हैं हम नाउस का। लेकिन आधे वो कच्चे ही रह जाते हैं, फिर जो पेट दुखता है ना वो तो अलग ही है। अच्छा लग रहा है। सूरत में बहुत मोमोज इतना नहीं मिलता है, तो यहाँ मैं देख रही हूँ यहाँ पे काफ़ी मोमोज मिलते हैं। मोमोज की ज़्यादा खाते हैं। यहाँ पे है ये छप्पल बाजार, दिस इज रियल बनारस लंका। और
यही जगह है ना, यही जगह है कि आगे थी, आगे थी है ना। कितने का है यहाँ पे, ये कितने का मिल रहा है? वही देंगे यार, रेट वही है। मुझे कितने लेना है मेरे? मैंने नया मास्क खरीदा जैसे कि आप देख रहे हैं, और हम यहाँ पे खड़े हैं, कुछ जाएंगे कुछ खाएंगे पियेंगे, अभी और भी चीज़ें। ठीक है, अच्छा लग रहा है, ठीक है बस, और कलर ले सकते हो? हाँ, डिसेंट सा कोई कलर ले, या तो मस्टर्ड ले या तो ऐसे ही कुछ ले। बढ़िया लग रहा है बनारस की पानी पूरी, स्पेशली में खाना आती है। क्या है भैया ये? टिक्की चाट है। यस, ओके। इसके बना सकते हो? क्या है ये? टिक्की चाट है। टिक्की चाट है तो चाट बहुत टेस्टी होती है, खाना जरूर। चाट की दीवानी फाइनली यहाँ पर आ गई है चाट खाने के लिए, और अब खाते हैं। चॉकलेट ठूस रही है तो मैं भी खा रही हूँ। इसमें किस किस का टेस्ट है? एकदम थोड़ा मीठा, तीखा, ऐसा खट्टा खट्टा। और मैं वीडियो लेने के चक्कर में खा नहीं पाऊंगी, तो पहले मैं खाने पे ध्यान देती हूँ। मैं व्लॉग ले रही हूँ और ये खाए जा रही है, मुझे नहीं कुछ मिलेगा लगता है। फूड ब्लॉगर तो बनना तो मैं आराम से बन जाऊंगा, ठीक है, लेकिन पेट का भी ध्यान देना पड़ता है, इसलिए बढ़िया चाट नजर है। अगर आप बना रहे हो तो डेफिनेटली खाओ यहाँ का चाट। कहाँ पर है लंका पे? नो लंका पे सामने ऐसा लग रहा है, मस्त लग रहा है। हाँ, बॉब जिम कितने का है? हाँ, बॉब जिम के सामने। अगर आप बनारस आओ लंका जिम के सामने। हाँ, बॉब जिम के सामने, जिम हाँ, रोमांस कैफे के सामने। अच्छा, वहाँ पर रोमांस कैफे के सामने। तो आप यहाँ पे खरीद सकते हो, लेकिन ये थोड़ा भी कम नहीं कर रहे हैं। हाय राम, ऐसा कुछ।